नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना रोहिली। आज हम बात करेंगे सनी देओल की। जी हां, 90 के दशक के फेमस एक्टर सनी देओल, जिनका की आज जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर खास बात उनके फैंस को लेकर करनी है, क्योंकि उनके फैंस की दीवानगी इस कदर है कि किससे आज तक याद किए जाते हैं। जब गदर मूवी रिलीज हुई थी, तब हमने देखा था कि सुबह 6 बजे से ही थिएटर खुल जाते थे और उसके बाद एक ही दिन में 18-18 शोज होते थे और भारी भीड़ आती थी, क्योंकि सनी देओल को देखने के लिए फैंस बेहद क्रेजी हो जाते थे। उस दौर में एक रोमांटिक अभिनेता के तौर पर, या यूं कह लीजिए कि एक बतौर एक्शन एक्टर के तौर पर अपने आप को सनी देओल ने स्थापित किया, जो कि उनके पिता धर्मेंद्र का सपना था, उसे पूरी तरह से उन्होंने सच में तब्दील किया है। और बहुत मेहनती अभिनेता हैं, क्योंकि सेट पर भी ये कहा जाता है कि जब मूवी शूट की जाती है तो सबसे पहले सनी देओल वहाँ पहुँच जाते हैं। समय के बहुत पाबंद हैं और इंसान इतने अच्छे हैं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि जो साथी उनके अभिनेता या अभिनेत्रियाँ होते हैं उनका बहुत बहुत देर तक वो वेट करते हैं। श्रीदेवी को लेकर कहा जाता है कि वो सेट पर बहुत देर से पहुंचती थी, लेकिन कभी भी नाराजगी नहीं जताते थे सनी देओल, बल्कि उनका वेट किया करते थे। आज क्योंकि उनके फैंस की बात हो रही है, तो एक फैन की बात कर लेते हैं। मनोज रावत उनका नाम है। वो इंडियन मूवी जब आई थी सनी देओल की, उसको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। देखिए, लोगों के जीवन में कैसे जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं वो उनके जीवन को बदल देते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को बदल देते हैं, उनके जीवन जीने के तरीके को बदल देते हैं। मनोज रावत जो कि एक कांस्टेबल हैं, उन्होंने जब इंडियन मूवी देखी तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि सनी देओल की तरह मुझे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सच में उन्होंने अपने सपने को साकार किया, वो आईपीएस ऑफिसर भी बने। एक और किस्सा कहा जाता है एक डकैत को लेकर। देखिए आप, कितना ज़्यादा क्रेज था सनी देओल का, ख़ासतौर से उनके डायलॉग्स को लेकर, कि एक कल्हा नाम का डकैत, जिससे कि पूरे पुलिस छान मार रही थी, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिल रहा था, चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही थी। लेकिन होता क्या है कि एक दिन सनी देओल के एक फिल्म का डायलॉग होता है, जिसे लिपसिंग करके एक वीडियो वो डकैत जारी कर देता है, जिसके बाद जो पुलिस होती है वो उसका लोकेशन ट्रेस करती है और उस डकैत को पकड़ लिया जाता है। तो आप सोचिए कि एक डकैत जो पूरी तरह से पुलिस से छुप रहा था, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ही एक गलती से, या यूँ कहिए कि सनी देओल की दीवानगी में वो पकड़ा जाता है। तो इस कदर सनी देओल की दीवानगी रही है 90 के दशक में, खासतौर से 100 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुके हैं, राजनेता भी अब बन गए हैं, सांसद हैं, लोग बड़ा प्यार उनको करते हैं। तो हम भी शुभकामनाएं उनको देते हैं, ऐसे ही उनका ये फिल्मी करियर चलता रहे। और क्योंकि 3 फिल्में भी उन्होंने डायरेक्ट की हैं, उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में और भी वो फिल्में बनाएंगे और हम सबके बीच एक बार फिर मनोरंजन लेकर आएंगे।